विद्युत, निर्माण सामग्री और पुल। घर बनाते समय हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, हम इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे और पुल कैसे बनता है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के जो हम एक बार देख लेते हैं। अवर फर्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड टुडे। आज के समय में निर्माण सामग्री कौन कौन सी होती है और कैसे बनती है हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट ब्रिक्स, ईटे कैसे बनती है और ईटों का घर बनाने में क्या यूज होता है हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सेकेंड सीमेंट, सीमेंट कैसे बनती है और घर बनाते समय सीमेंट का क्या यूज होता है हम पढ़ेंगे। अवर सेकेंड टॉपिक इज पीपल एट वर्क एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पर लोग क्या क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अवर थर्ड टॉपिक इज ब्रिक्स, पुल कैसे बनते हैं, पुल कैसे बनते हैं हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, कितने टाइप के पुल होते हैं हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग देखेंगे। हम वर्ड मीनिंग इसलिए लिखते हैं जिससे हमें चैप्टर समझने में आसानी हो और क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी होती है, इसलिए हम वर्ड मीनिंग लिखते हैं। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग में आपको लिखाऊंगी, आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में वर्ड मीनिंग लिखनी है अपनी फेयर कॉपी में। वर्ड मीनिंग्स को हमने थ्री पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, वर्ड, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। आप सभी को भी अपनी फेयर कॉपी में थ्री कॉलम्स बनाने हैं, वर्ड, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। आवर फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज केव्स, सी ए वी ई एस, केव्स मतलब होता है गुफा। आवर सेकेंड वर्ड मीनिंग इज कंक्रीट, सी ओ एन सी आर ई टी ई, कंक्रीट मतलब होता है ठोस, मजबूत। थर्ड स्टील, स्टील एस टी डबल ई एल, स्टील मतलब लोहा। फोर्थ ब्रिक्स, बी आर आई सी के एस, ब्रिक्स मतलब होता है ईटे। फिफ्थ क्ले, सी एल ए वाई, क्ले मतलब होता है चिकनी मिट्टी। सिक्स्थ मास, एम ए डबल एस, मास मतलब होता है ढेर लगाना, कोई भी ज़्यादा चीज़ को इकट्ठा करके ढेर लगा देते हैं उससे बोलते हैं मास। सेवन्थ बाइंड्स, बी आई एन डी एस, बाइंड मतलब होता है बांधना, किसी भी चीज़ को जोड़कर बांधते हैं उसे बाइंड करना बोलते हैं। मैसन, एम ए एस ओ एन, मैसन मतलब होता है मकान बनाने वाला, जो घर बनाता है उससे क्या बोलते हैं, मैसन बोलते हैं। नाइन्थ डब्ल्यू डबल ओ डी ई एन, वुडन, पी एल ए एन के एस, प्लैंक्स, वुडन प्लैंक्स मतलब होता है लकड़ी का तख्ता। टेंथ हॉरिजॉन्टल, एच ओ आर आई जेड ओ एन टी ए एल, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा। 12 वर्टिकल, वी ई आर टी आई सी ए एल, वर्टिकल मतलब होता है खड़ा। 12 इक्विप्ड, ई क्यू यू आई डबल पी ई डी, इक्विप्ड मतलब सुसज्जित, जो सजा हुआ रहता है, जैसे अपन किसी भी चीज़ को डेकोरेट करते हैं उसे बोलते हैं इक्विप्ड। मैं आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का एक एग्जांपल देती हूँ। वर्टिकल हम उससे बोलते हैं जो चीज खड़ी रहती है, सीधी रहती है, और हॉरिजॉन्टल हम उसे बोलते हैं जो चीज आड़ी होती है, ठीक है। इसे हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे और इस चौक को हमने सीधा करा तो इसे वर्टिकल बोलेंगे। आप सभी पेज नंबर 60 निकाल लीजिए, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड ब्रिजेस। स्टार्ट, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स, पहले के जो लोग थे वो गुफाओं में रहते थे। एज टाइम प्रोग्रेस्ड ह्यूमंस बिगेन टू बिल्ड हाउसेस विथ
naturally available materials like stones, mud, wood and straw. मतलब समय निकलता गया, उसके बाद लोगों ने बिल्ड घर बनाना शुरू कर दिया. घर उन्होंने किन किन चीज़ों से बनाना शुरू किया? नेचुरली अवेलेबल, प्रकृति में जो चीज़ अवेलेबल थी उनसे वह घर बनाने लगे थे. जैसे स्टोन पत्थर से, मड मिट्टी से, वुड लकड़ियों से एंड स्ट्रब घास से. इन सब चीज़ों का यूज़ कर लोग घर बनाने लगे थे प्रकृति की चीज़ों से. ब्रिजेस वर मेड विथ रोप्स एंड वुडन प्लैंक्स. लोग ब्रिज पुल कैसे बनाते थे? रोप रस्सी से बनाते थे और वुडन प्लैंक्स लकड़ी के तख्तों से लोग ब्रिज बना लेते थे. अवर फर्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड टू टुडे. आज के समय में बिल्डिंग बनाने में क्या क्या चीज़ें यूज में आती हैं, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. नाउ अ डे ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड कॉन्क्रीट आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल. ईंटें और सीमेंट और लोहा और गिट्टी का यूज कर बिल्डिंग तैयार होती है. ब्रिजेस आर मेड ऑफ स्टील एंड रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट. ब्रिज जो होता है उसे पक्का कर बहुत ही ठोस बनाया जाता है जिससे वह टूटे न. थस ब्रिजेस आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक द वेट ऑफ द व्हीकल्स एंड पीपल ऑन इट. ब्रिज जो होते हैं हमें स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर क्या चलते हैं? लोग चलते हैं, व्हीकल्स चलते हैं. वो पुल जो है उनका वेट सहन कर ले, हमें उतना स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाना पड़ता है. फर्स्ट ब्रिक्स, ईटे. ईटे कैसे बनती है? ब्रिक्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल. हमें बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ब्रिक्स, ईटे, जिससे हम क्या करते हैं? दीवार खड़ी करते हैं. ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वॉल्स. ब्रिक्स से हम क्या करते हैं? दीवार खड़ी करते हैं. चारों तरफ की दीवारें खड़ी किससे होती है? ईंटों से होती हैं. लेट अस सी हाउ दे आर मेड. हम देखते हैं कि ईंट कैसे बनती है. फर्स्ट, क्ले इज मिक्स्ड विथ वाटर टू फॉर्म अ स्मूथ मिक्सचर. चिकनी मिट्टी को पानी के साथ में मिक्स किया जाता है और उसे बहुत ही स्मूथ मिक्सचर, उसे मिक्स कर एक सॉफ्ट मिक्सचर बनाया जाता है. आप स्टेप वन में देख सकते हैं कि पानी और चिकनी मिट्टी को मिक्स कर एक स्मूथ मिक्सचर बना रहे हैं. द मिक्सचर इज पुट इन अ मोल्डर टू ऑब्टेन रेक्टेंगुलर व्हीट ब्रिक्स. जो मिक्सचर होता है एक चौकोर शेप के मोल्डर में डाला जाता है. चौकोर शेप के जो बॉक्सेस बने हुए होते हैं उनके अंदर उन्हें डाला जाता है और डालने के बाद जब वो मिक्स फिक्स हो जाती है तब उसमें से गीली ईंटें बाहर निकलती हैं. थर्ड, द व्हीट ब्रिक्स आर ट्रीटेड एंड ड्राइड इन अ ब्रिक्स किल्न. जो गीली ईंटें होती हैं उन्हें सुखाया जाता है एक ईंटों का भट्टा जमा कर, मतलब ईंटों को सेट कर पूरा एक भट्टे जैसा रेडी कर उन्हें सुखाया जाता है. द हॉट ब्रिक्स आर देन कोल्ड. जो गर्म ईंटें होती हैं उन्हें ठंडा किया जाता है एंड द ब्रिक्स बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. जो गर्म ईंटों को जब ठंडा किया जाता है तो वो जो ईंटें होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड बन जाती है. नाउ अ डे वी हैव मॉडर्न ब्रिक्स फैक्ट्रीज विच आर फुल्ली ऑटोमेटिक. आज के समय में बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है जहाँ पर ऑटोमेटिक ईंटें बनती हैं. क्या होता है? ऑटोमेटिक ईंटें बनती हैं मॉडर्न फैक्ट्रीज में. हेंस मिक्सिंग ड्राइंग कूलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ब्रिक्स इज डन बाय वेरियस मशीन. क्या करते हैं जो फैक्ट्री में जो ईंटें बनती हैं
उनमें मशीन होती है, तो सबसे पहले मशीन मिक्स कर देती है, फिर वहाँ से निकल कर वहाँ पर ड्राई हो जाता है, गीली हो जाती है, फिर मशीन से वो आगे बढ़कर वहाँ पर ठंडी भी हो जाती है, और ठंडे होने के बाद फिर मशीन से आगे बढ़कर वो पैकेट में पैक हो जाती हैं। इसलिए आज के समय में मॉडर्न फैक्ट्रीज में ईंटें क्या होती है, ऑटोमेटिक बनने लगी हैं। सेकंड, सीमेंट। सीमेंट इज अ फाइनली ग्राउंड पाउडरली सब्सटेंस, ग्रे इन कलर। जो सीमेंट होता है वो कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, और बहुत ही बारीक पाउडर फॉर्म में होता है, बिल्कुल बारीक बारीक क्या होती है, सीमेंट होती है, और इसका कलर ग्रे होता है। व्हेन सीमेंट इज मिक्स्ड विथ सैंड एंड वाटर, इट सेट टू अ वेरी हार्ड मास एंड बाइंड्स द ब्रिक फायरली। ठीक है, जो सीमेंट होती है उसे सैंड मिट्टी के साथ में और पानी के साथ में मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद उसे बहुत ही टाइट ढेर इकट्ठा किया जाता है, बहुत ही टाइट, और उसे बांध दिया जाता है। उस मिक्सचर को क्या किया जाता है, एकदम टाइट तरीके से ढेर में बांध दिया जाता है, जिससे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाए। अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड क्रश्ड स्टोन एंड वाटर इज कॉल्ड कॉन्क्रीट। जो सीमेंट होती है, सैंड मिट्टी होती है, और जो छोटे छोटे पत्थर के जो बारीक बारीक टुकड़े होते हैं, और पानी को, इन सबको मिक्स कर एकदम ठोस बनाना, इन सबको मिक्स करते हैं तो उससे क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट बोलते हैं, ठोस बनाना बोलते हैं। ऑन सेटिंग कॉन्क्रीट बिकम एक्सट्रीमली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जो कॉन्क्रीट, जो बिल्कुल ठोस, जो ठोस मिक्सचर होता है, वो बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रूफ्ड फ्लोर्स, रोड एंड पेमेंट। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रूफ्स, फ्लोर्स, रोड्स एंड पेमेंट। जो छत होती है उन्हें बनाया जाता है, मंजिलों को बनाया जाता है, बिल्डिंग्स बनाई जाती है, रोड बनाई जाती है, और जो फुटपाथ होती है उसे भी बनाई जाती है। इन सब चीज़ों से मिलकर इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। आपके सामने दो पिक्चर्स दे रखी है, आप एक तरफ देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल ब्रिक्स फैक्ट्री, जो ट्रेडिशनल तरीके से ईंटें बनती हैं और सीमेंट बनती है, वो फैक्ट्री हमें दे रखी है, जो कि पिछले कई सालों से ऐसी फैक्ट्री में सीमेंट और ब्रिक्स बनते थे। और आज के समय में फैक्ट्रियों के अंदर, मॉडर्न टाइप की जो फैक्ट्रीज होती हैं, उनके अंदर सीमेंट और ईंटें बनती हैं। आप देख सकते हैं मॉडर्न फैक्ट्री कैसे होती है और ट्रेडिशनल फैक्ट्री कैसी होती है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल एट वर्क एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। जहाँ पर काम करना रहता है वहाँ पर लोग काम करते हैं। इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग को जब बनाते हैं, द पीपल हु लेज ब्रिक्स इज कॉल्ड अ मेसोन। जो आदमी ईंटों को स्टेप बाई स्टेप जमा कर दीवार खड़ी करता है उसे मेसोन बोलते हैं, मकान बनाने वाला बोलते हैं। द हेल्पर्स प्रिपेयर एंड गिव मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर। जो उसकी मदद करता है मिक्सचर बनाकर, सीमेंट सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाकर उसे देता है, उसे हम हेल्पर बोलते हैं। मैनी पीपल्स आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग। ऐसे बहुत सारे तरीके के लोग जो होते हैं बिल्डिंग बनाने में मदद करते हैं। विद द हेल्प ऑफ देम अ वेल फर्निश्ड एंड इक्विप्ड बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड। कई लोगों की मदद से एक परफेक्ट स्ट्रक्चर के साथ बिल्डिंग बनने के बाद उसमें एक सुसज्जित अच्छी तरीके से डेकोरेट बिल्डिंग तैयार होती है। लेट अस नो अबाउट देम, इसके बारे में हम देखते हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले एन आर्किटेक्ट मेक द प्लान ऑफ द हाउस। एक आर्किटेक्ट क्या करता है, या तो एक घर का सबसे पहले क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, एक मेप बनाता है कि घर हम कैसा बनाएंगे। उसके बाद किसका वर्क होता है, अ मेसोन लेज द ब्रिक्स एंड प्लास्टर द वॉल।
जो ये आदमी दिख रहा है ये मकान बनाने वाला है। ये ईंटों को जमा कर उसके ऊपर सीमेंट रखकर फिर ईंट बनाकर रेडी करता है और इसका दीवारों का प्लास्टर करता है। थर्ड, अ कारपेंटर मेक द डोर्स एंड विंडो। जो कारपेंटर जो लकड़ी वाला होता है, जो लकड़ियों का काम करते हैं, वो क्या करता है, डोर बनाता है, दरवाजे और खिड़कियाँ भी बनाता है। अगला, अ प्लम्बर फिट पाइप्स एंड टैप्स फॉर वाटर। जो प्लम्बर होता है वो बिल्डिंग के अंदर, घर के अंदर पाइप और पानी का कनेक्शन देखता है, मतलब पानी के आने के लिए नल लगाता है, पाइप्स लगाता है। ये काम किसका होता है, प्लम्बर का होता है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिकल फिट्स वायर एंड प्लग्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो वायर फिटिंग करता है और प्लग लगाता है हाउस में, नए हाउस में। एन इंजीनियर सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। एक इंजीनियर होता है वो पूरी बिल्डिंग को सुपरवाइज करता है कि बिल्डिंग कैसे बनेगी, इसके बाद क्या होगा, कौन सा वर्क कब होगा, ये काम कौन देखता है, एक इंजीनियर देखता है। नेक्स्ट, अ पेंटर पेंट्स द होम। जो पेंटर होता है वो पूरे घर को पेंट कर रेडी करता है। इतने सब तरीके के लोग मिलकर एक बिल्डिंग को या एक घर को रेडी करते हैं।